अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ इस वक्त बिलाल अब्बास खान साहब मौजूद हैं। इनकी फिल्म आ रही है खेल खेल में, जो इस वक्त यूट्यूब पर उसका ट्रेलर टॉप ट्रेंडिंग में जा रहा है। बिलाल से जानेंगे फिल्म जो है वो किस हवाले से है। बिलाल, माशाल्लाह फिल्म आपकी आ रही है और कोरोना के बाद पहली फिल्म है जो पाकिस्तान में रिलीज़ होने जा रही है, पाकिस्तानी कैसी फिल्म है ये? जी, फिल्म है 1971 ढाका फॉल के बारे में और उसकी कुछ जो हमारा उस वक्त उस ज़माने में जो इंसिडेंट्स हुए थे, पाकिस्तान के नज़रिए से इस फिल्म को दिखाने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा सीरियस मूवी नहीं है, ऐसा नहीं है जब हम 1971 की बात करते हैं लोग समझते हैं शायद जंग और इस तरह की चीज़ें होंगी। यूथ बेस्ड फिल्म है, बहुत लाइट हार्टेड कॉमेडी भी है और थोड़ा सा रोमांस भी है एंड तो एक बड़ी मज़े की फील है। अच्छा, आखिरी आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, आखिरी सवाल करता हूँ। आमतौर पर जो पाकिस्तानी फिल्में बनती हैं वो रोमांटिक फिल्में बन रही होती हैं और आपने उस फिल्म में काम किया है जो रीजनल बेस है या इंटरनेशनल टॉपिक है, तो मुश्किल हुई आपको इस फिल्म में काम करने में या चीज़ों को समझने में? बिल्कुल ईजी था। अच्छा, आपके गालिबन वालिद साहब पुलिस ऑफिसर थे? जी हैं, हैं, ठीक है। पुलिस में आपके वालिद साहब ने सर्व किया और कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आपने इंटरनेशनल फ्रंट पे फिल्म में काम करके पाकिस्तान के लिए लड़े, तो बस देखें बाप बेटा दोनों मुल्क के लिए कितना काम कर रहे हैं। अच्छा, बाप ने पुश किया था जब आपने ये फिल्म साइन की थी? किस चीज़ के लिए पुश? बेटा बहुत अच्छा टॉपिक है, आप करें बहुत ज़बरदस्त। आपने जिसको कहते हैं ना फिफ्थ जनरेशन वॉर, उसमें आप पाकिस्तान का एक बिल्कुल उनको प्राउड ऑफ मी और उनको जब पता चला था तो बिल्कुल खुश हुए थे। बिल्कुल ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। और इस वक्त जो फिल्म की पूरी कास्ट है वो लाहौर में मौजूद है, उनकी कोशिश यही है कि फिल्म को जिस हद तक प्रमोट कर सकें वो करें और इस फिल्म को आप 19 नवंबर को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो से मुतल्लिक कमेंट सेक्शन में अपने ख्याल का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। Thank you.